वेलकम टू जोडी एकेडमी। मैं अमरिंदर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जोडी एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी में पाचन तंत्र, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। जो हमारी छोटी आंत है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है ड्यूडिनम, दूसरा है जियोजिनम और तीसरा है इलियम। तो आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें दिया गया है आपको बताना है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख में। मुख से हमारी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन, यहाँ पे होगा 32। मनुष्य की जो पाचन नली है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है, जैसा कि आप देखेंगे, मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। मुख में जो हमारी लार होती है, लार में तीन प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है LMT। पहला है लाइसोसोम, जो कि हमारे भोजन में हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। उसके बाद है माल्टेज, फिर है टाइलिन। टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज शर्करा में तोड़ देता है, और जो माल्टेज नाम का एंजाइम है ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया या आंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्न। कॉर्निया जो है वो आंखों पर पाई जाने वाली एक झिल्ली होती है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो एंजाइम है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेनिन। रेनिन जो है वो दुग्ध पचाने वाला एंजाइम माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स के कुछ ऑप्शंस नीचे हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन है बड़ी आंत, मुंह, और नीचे सी ऑप्शन है, छोटी आंत या पेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। यहाँ से अधिकतम जो पोषक तत्व है वो रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। आगे सातवां क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था लार में तीन प्रकार के एंजाइम हैं, लाइसोसोम, टाइलिन और माल्टेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइलिन। यही ऑप्शन में है तो हम इसी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट अपना जो एट क्वेश्चन है वो है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम्स। एंजाइम की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? मैं आपको बताना है कि जो हमारे मुंह की लार है वो स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च जिसे हिंदी में मंड भी कहते हैं, इसको पचाने में सहायक होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत में रक्त द्वारा अवशोषण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। आपको बताना है जो प्रोटीन है उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उदर। उदर यानी कि पेट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग शोषण करता है। तो विषैले पदार्थों को जो शोषण है वो हमारा यकृत यानी कि इसे लीवर भी कहते हैं, वो विषैले पदार्थों का शोषण कर लेता है। इसे उर्दू में जिगर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके पहले मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेप्सी है एक, ये पेप्सी नहीं है, ये है पेप्सिन। यहाँ पे आप नाम पेप्सिन है एक। तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो जो प्रोटीन होता है वो बदल जाता है अमीनो एसिड। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।